सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। हमेशा दुष्टों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना। व्यक्ति को अपने जीवन परछाई और आईने के जैसा दोस्त बनाना चाहिए। परछाई और आईने के जैसे दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज का पंचांग 4 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि, रात्रि 8:45 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 1:51 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 10:30 से 16 मिनट तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:15 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 4 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। सेहत नरम रह सकती है, कुछ घबराहट भी महसूस कर सकते हैं। अचानक आपका ध्यान धर्म में हो सकता है, शायद आप नए विश्वास को खोज रहे हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सब जानते हैं, इसलिए समय मांग और संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आज का दिन भौतिक रूप से संतोषजनक रहेगा, लेकिन सतर्क रहें, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लोग मिन्नतें करें। किसी विशेष कार्य संबंधित बनी हुई योजनाएं आज क्रियान्वित होगी, इसकी वजह से आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। संतान की किसी उपलब्धि से खुशी मिलेगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। व्यक्तिगत जीवन में कठिन निर्णय करने पड़ सकते हैं, इस कारण मानसिक तकलीफ होगी, लेकिन अपने निर्णय का परिणाम स्पष्ट होने से आप इन कठिन बातों पर टिके रहेंगे। परिवार के लोगों के साथ दूरियां महसूस हो सकती है, इन बातों की वजह से विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे बातों की चर्चा करना दिन टालना होगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस बात की चर्चा करने से बचें। पार्टनर से अचानक से रिश्ता तोड़ने का निर्णय लिया जा सकता है। बीपी से संबंधित समस्या को नियंत्रण में लाना जरूरी होगा। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के खुरदरा व्यापारी लाभ कमा सकते हैं। निर्यातकों के लिए अधिक अनुकूलता रह सकती है। लंबे समय से रुकी यात्रा हो सकती है, दिमाग पर अधिक जोर ना पड़ने दें। नकली गहनों के व्यापारी सुखद अवस्था में रह सकते हैं। शौक जोर पकड़ सकता है, भाइयों से अच्छा सहयोग मिल सकता है। संतान संबंधी शुभ सूचना भी मिल सकती है। गायनों डॉक्टरों के लिए अधिक अनुकूलता रह सकती है। आईटी इंजीनियरों के विद्यार्थियों के लिए अच्छा अवसर आ सकता है। अनावश्यक भागा दौड़ी से बचें, शारीरिक दुर्बलता की अधिकता भी रह सकती है। साझेदारी का काम झटका दे सकता है। सीमेंट कारोबारी काम करने का सोच रहे हैं तो अनुकूल समय है। परिवार को तनाव से बचाएं, तैली भोजन से बचें। सावधानियां, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बजट गड़बड़ा सकता है। परिवार तथा खुद से जुड़े फैसले स्वयं ही लें। दूसरों के हस्तक्षेप की वजह से आपकी घर की व्यवस्था में कुछ तनाव आ सकता है।
बात करते हैं लव लाइफ की। सिरदर्द और मानसिक थकान की स्थिति रहेगी, तनाव के कारणों से दूर रहें। हो सकता है कि आपके पार्टनर के दिमाग कुछ बदलावों के बारे में सोच रहा हो। उनकी रुचि अब जीवन को साहसिक तरीके से जीने में हो गई लगती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। आपको भी अपनी खाने की आदतें या निवास बदलना पड़ सकता है। अगर आपका पार्टनर कुछ नया आजमाना चाहता है तो उस पर हंसी नहीं। धन की तरफ झुकाव होने के कारण अभी आपका अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थल या लघु यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। व्यस्तता में अपने प्रिय को ना भूले क्योंकि यह समय रोमांस के लिए उपयुक्त है और आप अपने प्यार के साथ अंतरंगता व जुड़ाव महसूस करेंगे। आपको अपने प्राथमिकताओं के बारे में अच्छे से पता है और आज आप अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या से निपटने के लिए भी तैयार हैं। दो चाहने वालों के बीच प्रशंसा और सराहना होना अवश्य है। कई बार एक मुस्कुराहट भी वो कमाल कर जाती है जो कोई अन्य चीज नहीं कर पाती। बात करते हैं करियर की। अगर आप करियर या रोजगार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए क्योंकि भविष्य में आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा। धन को लेकर सावधान रहें, नुकसान या चोरी हो सकती है। आज आपका पेशेवर जीवन बेहतरीन है और आपका दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक व्यावसायिक है। आपने अपनी प्राथमिकता सूची पर अच्छी तरह से काम किया है और इसके साथ ही आप सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। प्रतिभा तभी प्राप्त की जा सकती है जब आप बड़े सपने देखते हैं। आज के दिन जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे अवसर एवं पदोन्नति मिल सकती है एवं अपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो आपको शुभ संदेश मिल सकता है। ये समय किसी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के आवेदन के लिए भी अच्छा है अगर आप वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं तो। बिजनेस में फाइनेंस की दिक्कत की वजह से प्रोडक्शन संबंधित गतिविधियां और रुकी हुई थी, आज उनमें कुछ सुधार होगा। व्यापारिक गतिविधियों में कुछ परिवर्तन आने की जरूरत है। अपने जनसंपर्क को भी और अधिक मजबूत करें। बात करते हैं सेहत की। सिरदर्द और मानसिक थकान की स्थिति रहेगी, धूप में निकलने से बचें। इस समय आपको अपने मन की बात भी सुननी चाहिए। आप पिछले कई दिनों से इसे नज़रअंदाज करते आ रहे हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई आपको वहमी ना समझ ले। लेकिन अगर आप अपने परिवार को थोड़ा सा खोले तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है। आप यह तो हमेशा से जानते हैं कि आपको करना क्या है। आज यह पक्का हो जाएगा कि आप यह अपने दम पर आराम से कर सकती हैं। जैसे ही आप अपना पहला निर्णात्मक कदम उठाएंगे आपका सारा मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।